फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी गर्ल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, वो इसलिए आज मैं आपको एक इतना खूबसूरत सा रेस्टोरेंट कह सकते हैं, आप होटल कह सकते हैं, वो दिखाने वाली हूँ। और नाम मैं आपको बता देती हूँ, इसका नाम है द किनारा विलेज, जो कि है लोनावला में। शायद आपने इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट है वो आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या अलग है, क्योंकि यहाँ ना आपको काफ़ी टाइम पहले जो चीज़ें होती थी वो सारी है ना वो देखने के लिए मिलेंगी, और बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको करने के लिए मिलेंगी। तो पहले ये देखिए, जो बनाया हुआ कुछ इस तरीके से बनाया है पूरा। यहाँ आप चाहें तो बहुत ही सुंदर सुंदर फोटो वगैरह वो क्लिक करवा सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कैमल है और एक हॉर्स भी आ रहा है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाने के लिए हैं। बाकी आपको बहुत तरीके की यहाँ जो पहले गाड़ियाँ चलती थी वो मिल जाएंगी, जिसकी आप राइड कर सकते हैं, ये आपको दिख ही रही होंगी। और जो खाने पीने का सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किया हुआ है। सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको गणेश जी के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे, जो कि वुडन के बने हुए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ क्या क्या अलग है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा बारीकी से और एकदम पुराने स्टाइल में बनाया गया है कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये सब चीज़ें देखने के लिए बहुत ज़्यादा कम मिलती हैं, बहुत ही कम मिलती हैं। तो ये आप देखिए, सारा का सारा ना सिटिंग अरेंजमेंट है अलग अलग। और ये देखिए, मुझे झूला दिखा जो कि पहले चलता था, और ये सारी की सारी चीज़ें थी ना वो वुडन की थी, और एक झूला भी था जिसपे मैंने बाद में झूला भी था इसी वाले पे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसकी हाइट है ना बहुत ज़्यादा कम थी, जैसे कि पहले के टाइम में आपने देखे होंगे महल वगैरह होते थे तो उनके अंदर ही इस तरीके के झूले थे, वो बनाए जाते थे। और ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर जगह है, यहाँ पर आप बैठ के खाना खा सकते हैं। ये देखिए गेट कितना ज़्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ की आप टेबल देखें, चेयर देखें, पूरा एक कैबिन टाइप बना रखा है जहाँ आप ना चार लोग बहुत ही आराम से खाना खा सकते हैं। और यहाँ की फीलिंग ही मतलब कुछ अलग ही जगह थी, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने वाली हूँ यहाँ। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो अभी ये देखिए, यहाँ ऊपर जाके कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, ये टेबल आपको दिखेगी, कर्टन वगैरह हैं, सारे के सारे लकड़ी के बने हुए थे। यहाँ ऊपर भी बैठ के आप खाना है वो खा सकते हैं, और खाना यहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सबसे ज़्यादा यहाँ का दही और जलेबी है वो फेमस है, तो आप अगर यहाँ जा रहे हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए। ये वाला देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ ना एक चारपाई होती है उसी के ऊपर टेबल को फिट करके रखा हुआ है, जैसे कि पुराने टाइम में लोग खाते थे। और लैंप वगैरह भी आपको सारी की सारी वही मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि बना दिया हो, सारी पुरानी ही चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी दिखने में। और आप देख ही पा रहे होंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ ना एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बहुत मज़े आने वाले हैं अगर छोटे बच्चे अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो, क्योंकि अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ, अलग अलग तरीके के झूले हैं, वो सारे आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। और आप अगर कहीं दूर से आकर आ रहे हैं, आपको स्टे करना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे रूम्स हैं वो मिल जाएंगे। अभी आप ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को क्लीन किया जाता है, ये क्लीनिंग वाला पूरा एरिया था। इसके बाद मैं आपको दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी दिखा देती हूँ। ये कुछ ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है, बाकी अंदर का था वो सेम है। यहाँ देखिए, पांच लोग खा सकते हैं आराम से बैठ के। इसके बाद ये देखिए, जो कुछ इस तरीके की आप बोल सकते हैं कलाकारी की है लकड़ी के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। हर जगह आपको अलग ही चीज़ यहाँ देखने के लिए मिलेगी, अलग ही जो कारीगरी है वो देखने के लिए मिलेगी। पुराने टाइम में इस तरीके से लकड़ियों का बना देते थे, जिसपे लोग अपना सामान रख देते थे। और ये देखिए, बनाया गया है इसको जैसे पहले बनाया जाता था, मिट्टी के साथ दीवारों को, और ऐसे यहाँ तैयार किया गया। काफ़ी पुरानी चीज़ें थी वो इसके अंदर रखी हुई थी। ये आपको मैं थोड़ा क्लोजअप करके दिखा देती हूँ, ताकि आपके समझ में आए कि क्या क्या यहाँ आखिर रखा हुआ था। ये देखिए, पुराने तरीके के बर्तन थे यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये देखिए, इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। ये देखिए, यहाँ एक बहुत ही सुंदर सी जो चाकी होती थी पहले चलाने वाली, जिसमें लोग दाल वगैरह पीसते थे, गेहूं वगैरह, वो रखी हुई थी, जहाँ एक छोटा सा कैट का बच्चा है ना वो सो रहा था।
और इसके बाद मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ, वो आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ कितना ज़्यादा, ये वाला जो एरिया था वो भी एकदम डिफरेंट था। इसकी आप रूफ देख सकते हैं किस तरीके से बनी हुई है, पूरी जो बैम्बू होते हैं उसके साथ बनाई गई है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये पंखे देखिए आप, यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके के फ़ैन यहाँ पर लगे हुए थे। और ये देखिए यहाँ भी मतलब पूरी एक फैमिली है, 10 लोग आराम से यहाँ बैठकर खा सकते हैं खाने को, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप 10 लोग के साथ आ रहे हैं, 20 लोग के साथ आ रहे हैं, तो अलग अलग नहीं बैठना पड़ेगा, एक ही एरिया में आप आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ के मज़े ले सकते हैं। इसके बाद कुछ इस तरीके के यहाँ फाउंटेन वगैरह हैं, जहाँ आप बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटो क्लिक वगैरह करवा सकते हैं, वीडियोस बनवा सकते हैं। यहाँ आपको ख़रीदने के लिए भी अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो वो भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ना, वो आपको मिल जाएंगी। लोनावला की जो चिक्की है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो भी यहाँ आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाई देती हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में एक दिखाई थी, और ये भी थी कुछ अलग तरीके की। जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग जो गाड़ियाँ हैं वो अलग अलग तरीके की थी, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी। और ये देखिए यहाँ पे अगेन एक जो चाकी होती है, चकिया भी बोलते हैं उसको, वो रखी थी। इसके बाद ये था, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था, यहाँ भी लोग खा सकते हैं बैठ के। और ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जो यहाँ पर बनाई गई हैं कुछ चीज़ें लकड़ियों के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर मुझे लगा। ये वाला जो पार्ट था यहाँ का, ये देखिए मतलब बहुत ही तसल्ली से आप सुकून से बैठ के खा सकते हैं, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, यहाँ का वेदर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने आपको बताया था कि आप कैमल वगैरह के साथ भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं, राइड भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको एक कुआ है वो मिलेगा देखने के लिए, और एक यहाँ पे रिक्शा भी रखा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, पोस्ट ऑफिस की तरह जो होता है ना पहले जो चलते थे वो भी। यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है जो कुआ है, मतलब बनाया गया है इसको, ऐसे परमानेंट नहीं है, ऐसे ही है। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ जो इसका पूरा जो नाम है वो ये है सामने आपको, और ये सारी की सारी ना यहाँ पे दुकानें हैं। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप बताइए कि आपको ये वाला मेरा जो वीडियो है वो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।